एक हेयर फॉल तो ऐसा होता है जो समय के साथ साथ होता है, जैसे 40 साल, 50 साल, 60 साल, धीरे धीरे आदमी के बाल झड़ते रहते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनके बाल झड़ते हैं। लेकिन कुछ हेयर फॉल ऐसे होते हैं जो 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल से आपके पीछे पड़ जाते हैं। और आजकल ज्यादातर लड़कों को यही वाला हेयर फॉल परेशान कर रहा है, जो एकदम कम उम्र में स्टार्ट हो जा रहा है। तो ऐसे में आपको मेडिसिन तो कई सारी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मेडिसिन इस्तेमाल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मेडिसिन ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में कोई मेडिसिन बन के तैयार हो जाती है, वो भी कई सालों की रिसर्च के बाद तैयार होती है, और उनके कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होते हैं, तभी वो जो है 30-30 साल से इस्तेमाल हो रही है और लोगों को रिजल्ट भी आ रहा है। लेकिन अगर आप ये समझ लीजिए कि कोई अगर प्रोडक्ट लगाने से आपके बाल बचे रहेंगे, तो ये भी आपका सोचना गलत है। क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, जिनके पास हजारों करोड़ लाखों करोड़ है, लेकिन वो भी अपने बालों को नहीं बचा पाए। क्या वो डॉक्टरों से कंसल्ट नहीं करते अपने बालों के लिए? वो तो विदेश जा जाके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। फिर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो पैचेस लगाते हैं, कोई कोई तो पूरा का पूरा विग ही लगाते हैं, पूरा हेयर विग लगाते हैं। तो आजकल ये हेयर फॉल की समस्या सबको हो ही गई है, और ये एक लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम भी है। इसीलिए हम हमेशा अपने सारे वीडियो में ये कहते हैं कि आपको लाइफस्टाइल अपना सुधारना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई सी भी मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि मेडिसिन की भी एक लिमिटेशन होती है। मिनोक्सिडिल जो है 1-1.5 साल तक ही लोगों पे अच्छे रिजल्ट दिखाती है, फिर उसके भी रिजल्ट कम हो जाते हैं, और आपकी जो है प्रॉब्लम जो है पहले से भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, फिर उसके बाद तो कुछ और काम भी नहीं करता। तो इसीलिए हम ये कहते हैं अगर आपको मेडिसिन लेना है तो वो भी लीजिए, और अगर आपका हेयर फॉल थोड़ा कम है तो आपको मेडिसिन लेने की तो ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे, थोड़ा योग वगैरह करेंगे, अच्छी डाइट फॉलो करेंगे, और नींद वगैरह अच्छे से लेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, अपने स्ट्रेस को कम करेंगे, तो ये सब चीज़ें जो है छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेके आती है। और आप देखोगे थोड़े दिन में आपको काफ़ी बेनिफिट होंगे। अभी इस लड़के का दिखाते हैं आपको, ये 17 साल का है, इसने सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को ठीक किया और 1 भी रुपए की मेडिसिन नहीं ली है, और उसने जो अपने हेयर रीग्रोथ देखी है कितनी अच्छी कर ली है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो सकती, इसने अपनी रिसीडिंग हेयर लाइन पे दोबारा से बाल उगाए हैं। पहले भी हमने दिखाए थे इनके बाल आ रहे हैं, और आज की डेट में देखिए और ज़्यादा बाल आ रहे हैं। उन्होंने कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की है, सिर्फ जो भी है सब नेचुरल तरीके से, जो घरेलू नुस्खे हैं वही इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि इनकी उम्र सिर्फ 17 साल है, और 17 साल में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जो है जितना भी हेयर फॉल हुआ है वो दोबारा से हेयर रीग्रोथ हो सकती है। अभी फिलहाल तो इनका लाइफस्टाइल अच्छा हो गया, और इनका आप देख सकते हैं हेयर रीग्रोथ भी हो रहा है, लेकिन ये इनको परमानेंट करने की ज़रूरत है, और इसके लिए ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 10-15 मिनट योग करना है और अपनी डाइट में सुधार रखना है, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, और इससे सिर्फ आपके बाल ही नहीं आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और ये तो हर किसी को करना ही करना पड़ेगा अगर आपको इतने कम उम्र में, क्योंकि इनका भी है अगर ये थोड़ी सी ढिलाई बरतेंगे तो हेयर फॉल दोबारा से वापस आ जाएगा। जो अगर 17 साल में वापस आया वो 20 साल, 21 साल, 22 साल में फिर से वापस आएगा। इसीलिए हम कहते हैं अपने लाइफस्टाइल को सुधारो। अगर कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करके या कोई मेडिसिन इस्तेमाल करके अगर हर किसी के हेयर आ जाते तो बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, वो सब लोगों के पास पैसे की इतनी दिक्कत नहीं है, वो कोई भी प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ तक कि इंडियन भी नहीं इंटरनेशनल प्रोडक्ट भी मंगा सकते हैं। फिर भी आप देख रहे हो कि कितने सारे लोगों को हेयर फॉल की समस्या है, और सबको पैच लगाने पड़ रहे हैं, हेयर विग लगा के रखना पड़ रहा है।